खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर अब सिवनी से सामने आ रही, जहां एक मुसलमान ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। तो वहीं तमाम जानकारी साझा करेंगे सिवनी से जलावीरू राजेश शिवारे। हालांकि इसमें सामाजिक समरसता की बात तो नहीं है, लेकिन कटु सत्य है कि इस तरीके के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी राजेश जी, आशुतोष जी, बरघाट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बमोड़ी की एक नाबालिग बच्ची के साथ एक आरोपी सलीम खान ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है, जिसके विरोध में आज नगर बरघाट समूचा नगर बंद रहा है। वहीं उक्त घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय ने द्वारा घृणित घटना की घोर निंदा की है। श्री विधायक ने कहा है कि बरघाट थाना अंतर्गत ग्राम साले खुर्द चीजबंद में मासूम बालिका के साथ घटित कृत्य घोर निंदनीय है। श्री विधायक ने कहा कि मासूम बालिका के साथ ऐसा घृणित कृत्य करने वाला व्यक्ति अपराधी है तथा उसका कृत्य क्षमा योग्य नहीं है, जिसका अंतिम परिणाम फांसी है। इसके साथ ही श्री राय ने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं जिला प्रशासन से उक्त घटना को कारित करने वाले अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष युवराज रहांगडाले जी द्वारा भी कहा गया है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए एवं उसकी संपत्ति को ध्वस्त कर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। वहीं बरघाट विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया द्वारा भी कड़ा विरोध किया गया है। वहीं पूर्व विधायक कमल मस्कोले द्वारा भी इसे बहुत बड़ा कृत्य कहते हुए अपराधी को कड़ी सजा और उसकी संपत्ति को ध्वस्त कर देने जैसी मांग की है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आशुतोष जी, आए दिन हमारे समूचे जिले में ऐसी घटनाएं होती रहती है, खासकर मुस्लिम वर्ग के कुछ तथाकथित लड़की। मैं सभी मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मुसलमान समुदाय के लड़की अक्सर हिंदू लड़कियों को इस नजरिए से देखते हैं और उनके साथ बलात्कार करते हैं। हालांकि मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि अब हिंदुओं में भी इस तरीके के कमीने हरामखोर प्रवृत्ति के लड़के नहीं रहती, जैसा कि मुसलमान सभी मुसलमान एक से नहीं रहती, सभी मुसलमान भी सम्मानजनक होते हैं, लेकिन मुसलमानों में कुछ युवक और हमारे हिंदुओं में भी कुछ युवक इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो पता नहीं इन लड़कों को ये देवी स्वरूप कन्याओं में क्या दिखता है जो ये कृत्य कर बैठती है, जिससे हम हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच एक मनमुटाव जैसा, एक दूसरों के प्रति एक घृणा जैसी या कहना चाहिए बुराई जैसी उत्पन्न हो जाती है। ये युवकों की वजह से हम हिंदू मुसलमान भाइयों में जो भाईचारा निर्मित है, आज हमारे समूचे जिले में मुसलमान भाई हिंदू भाई आपस में एक साथ रहते हैं, दोस्त हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो हम लोग हिंदू मुसलमानों के प्रति और मुसलमान हिंदुओं के प्रति एक दूसरे के प्रति ऐसी
विचारधारा बना दी जाती है या बन जाती है कि यार ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं या हिंदू ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं घटित ना हो। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि उक्त आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, और जैसा कि बुलडोजर चलाने जैसी बात भाजपा सरकार कहती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी संपत्ति को वाकई बुलडोजर से नष्ट कर देना चाहिए और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को फांसी की सजा मिलना चाहिए, जिससे हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक सबक भी मिले और ऐसे कमीने प्रवृत्ति के युवकों को भी एक सबक मिले कि किसी या मुसलमान की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो या सिख की बेटी हो या ईसाई की बेटी हो, ऐसा कोई कृत्य करने हेतु 100 बार सोचे। वहीं नगर बरघाट के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, आज नगर बंद रहा है, मुझे बरघाट जाना था, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और मैं सिवनी में अजय बाबा पांडे जी का कार्यक्रम था उसमें भी व्यस्त था, मुझे बरघाट जाना था। मैं चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया एवं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सभी लोगों की तरफ से कि ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए, कठोर सजा देना चाहिए, उनकी संपत्ति ध्वस्त करना चाहिए, ताकि कोई भी किसी की बहन बेटी को गलत नजरों से ना देखे, ताकि ऐसी घटनाएं घटित ना हो, ताकि हमारे समाज में जो एकता बनी रहती है उसमें दरार जैसी पैदा हो। जी आशुतोष जी। जी राजू जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। जी धन्यवाद। चरण स्पर्श।